Please subscribe my channel and click bell icon to see more health videos. Hello everyone, this is Pratibha, aapki physiotherapist. Aaj ke is video mein hum scoliosis ke bare mein baat karenge. Scoliosis ek aisi medical condition hai jisme body spine sideways curve mein aa jati hai. Is condition mein do shapes mein spinal curves ho sakte hain, ek C shape aur ek S shape. ये कर्व स्टेबल भी हो सकते हैं या फिर टाइम के साथ बढ़ भी सकते हैं. सी शेप स्कोलियोसिस में एक प्राइमरी कर्व होता है, लेकिन एच शेप स्कोलियोसिस में एक प्राइमरी कर्व और दूसरा कंपनसेटरी कर्व होता है. प्राइमरी कर्व के रिस्पॉन्स में बॉडी को मेंटेन और अपराइट पोस्चर में रखने के लिए ही बॉडी कंपनसेटरी कर्व बना लेती है. स्कोलियोसिस को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट कैटेगरी है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस. ये सबसे कॉमन कैटेगरी है. इसमें साइड टू साइड कर्वेचर के साथ स्पाइन का रोटेशन भी होता है. ये स्कोलियोसिस स्पाइन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है और ये परमानेंट टाइप का स्कोलियोसिस होता है. सेकेंड कैटेगरी है नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस. इसमें स्पाइन साइड टू साइड कर्वेचर में आती है, लेकिन इसमें स्पाइनल रोटेशन नहीं होता. इसे फंक्शनल स्कोलियोसिस भी कहते हैं और ये टेम्परेरी कॉज की वजह से होता है. मतलब जिस कारण से स्कोलियोसिस हुआ है, अगर उसे ठीक करें तो इस टाइप का स्कोलियोसिस ठीक किया जा सकता है. अब उन कारणों की बात करते हैं जिनकी वजह से नॉन स्ट्रक्चरल यानी फंक्शनल स्कोलियोसिस होता है. सबसे पहला है मसल स्पाज़म. अगर स्पाइन में कोई मेजर मसल में स्पाज़म होता है तो स्पाइन एक डायरेक्शन में पुल हो सकती है और एक साइडवे कर्व बना सकती है. सेकेंड है डिफरेंसेस इन लेग लेंथ. अगर एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा है तो ऐसे में आप चलते समय छोटे लेंथ वाले पैर की तरफ झुकने लगेंगे और इससे भी स्कोलियोसिस कर्व बनने लगेगा. थर्ड कॉज है इन्फ्लामेशन. अगर स्पाइन के एक साइड के एरिया में इन्फ्लामेशन होती है तो ऐसे में भी स्कोलियोसिस कर्व बन सकता है. इसमें भी कुछ पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं जैसे अपेंडिसाइटिस और नमोनिया. फोर्थ कॉज है हैबिचुअल पोजिशन. कुछ ऐसी हैबिचुअल पोजिशंस होती हैं जो हम डेली अडॉप्ट करते हैं और जिनकी वजह से स्पाइन स्कोलियोटिक बन सकती है. जैसे सिर्फ एक ही साइड से कोई स्पोर्ट्स खेलना, सिटिंग पोस्चर ठीक ना होना, सिर्फ एक ही साइड बैक को टांग कर रखना, जिम करते समय इनकरेक्ट टेक्निक यूज़ कर लेना या फिर हमेशा एक ही साइड से सोना. अब बात करते हैं कि नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस का कैसे पता लगाया जाता है. इसके लिए एक टेस्ट है जिसे एडम फॉरवर्ड बेंड टेस्ट कहते हैं. इस टेस्ट के हिसाब से अगर कोई स्कोलियोटिक पेशेंट आगे की तरफ झुकता है और इस झुकी हुई पोजीशन में स्कोलियोसिस कर्व नज़र नहीं आता है, यानी कि स्पाइन स्ट्रेट नज़र आती है, तो वो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोटिक पेशेंट है. लेकिन अगर स्कोलियोसिस कर्व झुकी हुई पोजीशन में भी नज़र आ रहा है, यानी कि स्पाइन टेढ़ी नज़र आ रही है, तो वो स्ट्रक्चरल स्कोलियोटिक पेशेंट है. इस कंडीशन को अकॉर्डिंग टू एज ऑफ ऑनसेट, मतलब किस एज पर स्पाइन डिफॉर्म होनी शुरू हुई है, उस हिसाब से भी स्कोलियोसिस को क्लासिफाई किया जाता है. पहली कैटेगरी है कंजेनाइटल स्कोलियोसिस. ये वो स्कोलियोसिस है जो जन्म के समय से ही है. इसमें जन्म से पहले ही वर्टिब्रा प्रॉपरली नहीं बन पाती है. सेकेंड कैटेगरी है इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस. ये उनमें होता है जिनकी एज 3 साल से कम है. इस टाइप के स्कोलियोसिस का होना बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और ये एज के साथ अपने आप ठीक भी हो सकता है क्योंकि इस टाइप की स्कोलियोसिस में रोटेशनल कंपोनेंट कम होता है. थर्ड है जुवेनाइल टाइप. ये उनमें दिखता है जिनकी एज 3 से 10 साल के बीच में होती है. ये गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और इसमें रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन भी ज़्यादा होता है. फोर्थ है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस. ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कोलियोसिस है. ये 11 से 16 साल की उम्र में दिखता है. ये वाला टाइप ही गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और इसमें भी रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है. जो इडियोपैथिक टर्म इसके लिए यूज़ किया गया है वो किसी भी मेडिकल कंडीशन को रेफर कर सकता है जो बिना किसी कॉज के या कारण की हुई हो. फिफ्थ टाइप है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस. ये एक ऐसा टाइप है स्कोलियोसिस का जिसमें न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर सिस्टम किसी बीमारी की वजह से अफेक्ट होता है. कुछ ऐसी न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है जिसमें इस टाइप का स्कोलियोसिस नज़र आता है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मेटाबॉलिक डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज मार्फन सिंड्रोम.
सिक्स्थ टाइप है अडल्ट एक्वायर्ड स्कोलियोसिस। इस टाइप का स्कोलियोसिस 18 साल की उम्र के बाद नज़र आता है और ये स्पाइन की डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है। कैटेगरीज जानने के बाद अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कोलियोसिस, मतलब स्कोलियोटिक पेशेंट की बॉडी स्ट्रक्चर और पॉस्चर में क्या क्या विशेष लक्षण नज़र आते हैं। इस कंडीशन में टिल्टेड हेड, अनइवन शोल्डर्स, रिब हम्प, कंप्रेस्ड रिब्स, अनइवन आर्म गैप, अनइवन मसल बल्क, एसिमेट्रिकल एब्डोमेन, हिप हाइक और लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लक्षण नज़र आते हैं। इस कंडीशन में ऐसा कोई स्पाइन का पर्टिकुलर पोर्शन नहीं है जहां पर स्पाइन साइडवेज कर्व में आ जाती है। ये स्पाइन के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। ये अकेले थोरासिक और लंबर रीजन में भी हो सकता है और ये एक साथ थोरेको को लंबर रीजन को भी अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि इस चीज़ का कैसे पता लगाएं कि बॉडी स्पाइन में स्कोलियोसिस की दिक्कत है। इसका सबसे आसान तरीका है स्पाइन का एक्सरे कराना। एक्सरे में अगर स्पाइन थोड़ी टेढ़ी है तो पता चल जाता है कि स्कोलियोसिस की परेशानी है। इसका पता चलने के बाद ये जानना ज़रूरी होता है कि किस साइड का स्कोलियोसिस है और कितनी सीवियरिटी के साथ है। साइड पता करने के लिए सबसे पहले एक्सरे में ये देखा जाता है कि कनकेविटी किस तरफ की है। जिस तरफ कनकेविटी होती है उसके अपोजिट साइड का स्कोलियोसिस माना जाता है। जैसे लेफ्ट साइड कनकेविटी है स्पाइन में तो राइट साइड का स्कोलियोसिस माना जाता है। अगर राइट साइड कनकेविटी है स्पाइन में तो लेफ्ट साइड का स्कोलियोसिस माना जाता है। इस कनकेविटी और कन्वेक्सिटी का एक्सरसाइज में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसे अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस पोर्शन को हम एक्सरसाइज वाले पार्ट में अच्छे से समझेंगे। अब सीवियरिटी की बात करते हैं। स्कोलियोसिस कितना सीवियर है इस चीज़ का पता कॉब एंगल से निकलता है। अकॉर्डिंग टू कॉब एंगल, अगर स्कोलियोसिस 10 डिग्री से कम है तो इसे माइनर केस और रिलेटिवली नॉर्मल समझा जाता है। अगर 10 टू 20 डिग्री के बीच में है तो इसे मॉडरेट समझा जाता है, और अगर 20 टू 40 डिग्री के बीच में है तो मॉडरेट और सीवियर दोनों समझा जाता है, और अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो इसे सीवियर समझा जाता है। स्कोलियोसिस सीवियरिटी रिजल्ट्स का एक सिग्निफिकेंस होता है, और वो ये है कि स्कोलियोसिस एक्सरसाइज उन पेशेंट्स को ज़्यादा सूट करती है जिनका कर्व 20 डिग्री से कम है। अब फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। एक्सरसाइज के पोर्शन में एक बार फिर से कन्वेक्सिटी और कनकेविटी के बारे में जानते हैं। देखिए, कर्व बनने के बाद दो साइड्स होती हैं, एक अंदर की तरफ होती है जो कनकेव साइड होती है और एक बाहर की तरफ होती है जो कॉन्वेक्स साइड होती है। कनकेव साइड जो होती है वहाँ की मसल्स शॉर्टन यानी सिकुड़ जाती हैं, और उन मसल्स को उनकी ऑप्टिमल लेंथ में लाने के लिए उन्हें स्ट्रेच आउट करना ज़रूरी होता है, और कन्वेक्स साइड की मसल्स ओवर स्ट्रेच होने की वजह से वीक हो जाती हैं, इसलिए कन्वेक्स साइड मसल को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है। ऐसा करने से दोनों साइड्स की मसल में बैलेंस रहेगा और स्पाइन इरेक्ट रहेगी। इस पोर्शन में एक चीज़ और आप जानिए, एक्सरसाइजेस करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ये चीज़ पता कर लें कि आपको स्पाइन के किस रीजन में और किस साइड का स्कोलियोसिस है, तभी इन एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म करिए। सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं, वो भी एरिया वाइज। अगर थोरासिक मतलब स्पाइन के ऊपरी पोर्शन में स्कोलियोसिस है तो ऐसे में कनकेव साइड की मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप इस पोज में एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए लेटिए। इस पोज में आने के लिए आप ज़मीन पर लेटकर उस तरफ के फोरआर्म पर बॉडी वेट डालिए जिस तरफ स्पाइन में कनकेविटी है, फिर कमर वाले पोर्शन को ज़मीन की तरफ नीचे पुश करना है और शोल्डर और अपर चेस्ट वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ पुल करना है। ऐसे करने का एम ये है कि रिब केज के पोर्शन में स्ट्रेच फील होगा। जब स्ट्रेच फील होने लगे तो उस टाइम पर डीप ब्रीदिंग भी करनी है ताकि मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो। अब सेकेंड केस पर आते हैं। अगर लंबा स्कोलियोसिस है मतलब पेट वाले पोर्शन के पीछे जो स्पाइन है अगर उसमें स्कोलियोसिस है, तो ऐसे में कनकेव साइड की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप इस पोज में एक बारी में 5 से 10 मिनट के लिए खड़े रहिए। इस पोज में आपको अपनी बॉडी को एक बो शेप में लाना है। इसके लिए दीवार के पास खड़े हो जाइए, फिर जिस तरफ स्पाइनल कनकेविटी है उस तरफ के पैर को दूसरे पैर के पीछे ले जाइए और अपने हाथों को इस तरह से दीवार पर सपोर्टेड रखिए। इसके बाद हिप को बाहर यानी कनकेविटी साइड की तरफ पुश करिए। ध्यान रखिए कि ऐसा करते समय पेल्विस ना मूव हो। हिप को पुश करने के बाद आपको स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच को 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड करके रखिए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। थर्ड केस पर आते हैं। अगर
थोरेको लंबर स्कोलियोसिस है, मतलब थोरासिक और लंबर रीजन दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो आपको कनकेव साइड की मसल को स्ट्रेच करने के लिए इस पोज में लेटना है। अगर घर में जिम बॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये एक्सरसाइज पिलो की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसके लिए 3 पिलो और 1 कुशन को इस तरह से एक के ऊपर एक रखिए, फिर इनके ऊपर करवट से बिल्कुल सीधा लेट जाइए, आगे या पीछे झुकना नहीं है। जिस तरफ स्पाइन में कनकेविटी है उस साइड को ऊपर रखिए और जिस तरफ कन्वेक्सिटी है उस साइड को नीचे रखिए, फिर अपने ऊपर वाली बाजू को सर के ऊपर ले जाइए। ऐसा करने से स्ट्रेच फील होने लगेगा। स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए साथ में डीप ब्रीदिंग भी करते रहिए। आप इस पोज में एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए लेटिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बाद अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं। ये एक्सरसाइजेस उन मसल्स के लिए है जिनकी कन्वेक्सिटी साइड में ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर आपको थोरासिक रीजन में स्कोलियोसिस है तो आपको इस पोज में बैठना है। जिस तरफ कंकेविटी है उस तरफ के हाथ को बिल्कुल सीधा फ्लोर पर रखिए। अब अपने बॉडी वेट को हाथ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए और शोल्डर को रिलैक्स रखिए। वेट ट्रांसफ़र करने के बाद आपको कंकेविटी की तरफ स्ट्रेच और कन्वेक्सिटी की तरफ मसल कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए और एक बारी में 10 बार इस एक्सरसाइज को करिए। अगर स्कोलियोसिस लंबा रीजन में है तो आपको इस पोज में खड़ा होना है। इसके लिए 3 से 4 इंच की हाइट का एक स्टेपल लीजिए और उसे उस पैर के नीचे रखिए जिस तरफ स्पाइन में कन्वेक्सिटी है। इस पैर को पूरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा घुटने से मोड़ कर रखना है। अब इसके बाद 2 मूवमेंट्स को एक साथ करना है। पहला, कनकेविटी साइड वाले लेग को नीचे पहुंचाना है और अपने हाथ को सर के ऊपर ले जाना है। दूसरा, अपनी कमर को बाहर की तरफ पुश भी करना है। ऐसा करने से कनकेविटी साइड स्ट्रेच और अपोजिट साइड मसल कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। इस स्ट्रेच को 3 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। इस एक्सरसाइज को एक बारी में 20 टाइम्स करिए, लेकिन बीच बीच में प्रॉपर ब्रेक के साथ करिए। जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको बताई गई हैं उन सभी एक्सरसाइजेस को अगर आप मिरर के सामने करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि मिरर से बॉडी पॉस्चर का विजुअल फीडबैक मिलता है। इसी के साथ अगर एक्सरसाइज रिजल्ट या आउटकम की बात करें तो इसमें इम्प्रूवमेंट उन्हीं केसेस में नज़र आएगी जिनका स्पाइनल कर्व 20 डिग्री से कम है, यानी सीवियरिटी रिजल्ट के हिसाब से जिनका रेंज माइनर टू मॉडरेट है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइजेस सफिशियंट है स्पाइनल कर्व को ठीक करने के लिए। लेकिन जिन लोगों में स्पाइनल कर्व 20 डिग्री से ज़्यादा है तो उन्हें ठीक करने के लिए कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्रेसिंग, सर्जरी और फिजिकल थेरेपी। अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।